recognized talent. And that's how he recognized his talent. And उन्होंने decide किया कि society के कुछ ऐसे मुद्दों पर कि आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आज आपसे कुछ पन्ने विचारों से तराशे हो. Beautiful initiative by Ashish Sharma ji, a poetic. मैं आशीष शर्मा, मैं मिडान इंडोनेशिया में एक कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर काम करता हूं और मेरी आज थर्ड बुक का लॉन्च है जिसका नाम है एमरल्ड्स कार्व्ड विद थॉट्स, कुछ पन्ने विचारों से तराशे हुए. इससे पहले भी मेरी दो बुक्स लॉन्च हुई हैं 2014 में और 2015 में, पर्ल्स फ्रॉम द ओशन ऑफ हार्ट, कुछ मोती दिल के सागर से, एंड डायमंड्स फ्रॉम द माइन ऑफ माइंड, कुछ हीरे मन की खान से. मेरे जो टॉपिक्स रहते हैं पोएम्स के, जनरली मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लिखता हूँ, जैसे एनवायरनमेंट हुआ, आतंकवाद हुआ, अपने जीवन की कुछ घटनाएं हुई, या कुछ व्यक्तित्व जो के जिनके बारे में लिखने से रीडर्स को एक वैल्यू प्रदान हो सकती है. तो ऐसे कुछ टॉपिक्स पे मैं हमेशा लिखना पसंद करता हूँ. जो आज आपकी बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में बताइए. जो आज हमारी बुक लॉन्च हुई है इसमें कुछ खास शख्सियतों के बारे में मैंने लिखा है, जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसपाल भट्टी जी, किंग ऑफ द मीनिंगफुल कॉमेडी, हम सब जानते हैं. उनके बारे में मैंने दर्शाया है, जैसे मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, जिस ढंग से वो देश को चला रहे हैं, जिस ढंग से देश आगे जा रहा है, उसकी कुछ लाइनें हैं कि जहां धरती अंबर है मिलते, वहां अद्भुत लाली छाई है, ओ काले बादल रास्ता दो, सूरज की सवारी आई है. तो ये मोदी जी जब हमारे पास जकार्ता आए थे पिछले साल, तो वहां पे मैंने ये पोएम ट्विटर पे डाली थी. तो इसी तरह से मैंने कुछ पर्यावरण पे भी लिखा है, मेरी एक पोएम है धरती पे, ये धरा वसुंधरा. देन फिर कुछ और पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे मिस्टर हयल सईद अनाम हैं, बड़े ही फिलेंथ्रोपिस्ट हैं अरब वर्ल्ड के, उनके बारे में लिखा है, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखा है. कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे सटायर्स हैं जो सिस्टम को झंझोरते हैं. तो इस तरह का मिश्रण जो है, कुछ हल्की फुल्की कविताएं भी हैं. तो इस तरह के मिश्रण सी ये बुक्स हैं मेरी तीनों. आपकी जो बुक्स हैं वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फॉर एक नया सवेरा हो जिसमें के सब कुछ बहुत अच्छा हो, एक नया भविष्य हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे विश्व को मिले, यही सारांश मेरी तीनों बुक्स का है.